नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, शानदार होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ETF को बाय करने के लिए एक इतना शानदार और बेहतरीन सेटअप। वो स्ट्रेटजी भी है लेकिन एक सेटअप भी है। अब अगर आप उसके थ्रू बाय करते हैं तो किसी भी ETF को बाय करने का सही समय क्या है आपको ये पता लगेगा, और आप उस ETF से जब भी आप उसे सेल करेंगे तो एक डिसेंट और बेहतरीन प्रॉफिट आप उससे निकाल सकते हैं। तो आपको सही एंट्री टाइम पता चलेगा इस सेटअप से किसी भी ETF में बाय करने का, और प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप कितना प्रॉफिट उसमें लेना चाहते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, तो ये आप प्रॉफिट अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, अंत तक पूरा देखिए। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि उस सेटअप को आपको कैसे तैयार करना है और उस पर कैसे आपको कहाँ एंट्री लेनी है और एक डिसेंट प्रॉफिट कैसे आप उससे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट कीजिए और इसे ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुँचता रहे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक दूसरा चैनल है मेरा, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत ही बेहतरीन और जेन्युइन कंटेंट मैं लाने वाला हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड। बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा किस्म के वीडियो मैं इस पर भी लाने वाला हूँ, आप इसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेटअप और जानते हैं कि हमें क्या करना है जिससे हमें किसी भी ETF में बाय करने का सही समय पता लग जाए कि हम उसमें कब बाय कर सकते हैं और किस समय हमें उसे बाय करना चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ इस स्ट्रेटजी को साझा करता हूँ और इस सेटअप को आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपके पास जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग टर्मिनल या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन या जिस भी ब्रोकर का आपके पास है, आप उसमें चार्ट लगा लीजिए। मैंने इस समय बैंक भी इसका लगा रखा है। इसमें आप किसी भी ETF का लगा सकते हैं क्योंकि ये आपको किसी भी ETF में बाय करने की एक सही रणनीति बताएगा आपको कहाँ पे बाय करना है। तो वैसे भी दोस्तों देखिए, मैं कुछ बातें आपको इससे पहले बता दूं कि हम किसी भी शेयर में हम कब बाय करते हैं, जब वो शेयर अप ट्रेंड में हो, यानी कि वो ऊपर की तरफ चल रहा हो, जब उसमें ब्रेकआउट हुआ हो तो हम उसे बाय करते हैं, यानी कि हम बढ़ते हुए शेयर को बाय करते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हुए शेयर में निवेश करते हैं। लेकिन ETF में जो है ना, इसका उल्टा होता है, यानी कि ETF में इसका उल्टा होता है। एक्शन ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि जब ये गिर रहा हो ना, जब ये नीचे गिर रहा हो तब आप इसको बाय करें, क्योंकि ये शेयर है, ये नीचे नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है। तो आपकी इसमें जो एवरेजिंग वाला मेथड है वो हो सकता है एक बार को काम ना करे या नहीं करता है, क्योंकि हर शेयर में, गिरने वाले शेयर में कभी भी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आप ETF में कर रहे हैं ये काम, एक्शन ट्रेडेड फंड में कर रहे हैं, आप किसी एक कंपनी के शेयर में तो कर नहीं रहे, आपको कम से कम 10 कंपनियां, 50 कंपनियां, 12 कंपनियां, 30 कंपनियां, इस तरीके के कंपनी के ETF में कर रहे हैं। यहाँ पे एक शेयर तो है नहीं, आप पूरे एक सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, यानी कि आपका जो पैसा है पूरे एक सेक्टर में लग रहा है। अगर आप बैंक में लगाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में लग रहा है, PSU बैंक अगर आप लेते हैं तो आपका पैसा सरकारी बैंकों में लगता है। अगर आप निफ्टी 50 का ETF खरीदते हैं जिसका नाम निफ्टी वीज है, तो आपका पैसा पूरा टॉप क्लास 50 कंपनी में लग रहा है। तो इतना आपको समझ में आया कि आपको जो है, जो ETF गिरा हुआ है आपको उसमें बाय करेंगे तो आपको उसमें एक तो सही समय मिलेगा आपको उसमें एंट्री करने का, और आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या BTST करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सेटअप बना रहा हूँ। तो आप बताइएगा ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है और कैसे ये प्रॉफिट आपको दे रहा है और कैसे प्रॉफिट ये देगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी ब्रोकर है, उसका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप चार्ट ओपन कर लीजिए, बैंक वीज का, निफ्टी वीज का, किसी भी ETF का ओपन कर लीजिए। और आपके पास अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है स्टॉक कार्ट का, आप उनके साथ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना, एक छोटा सा KYC का प्रोसेस है, आप उसे पूरा करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट लगा लेना है और इस चार्ट को जो है आपको हावरली रखना है, क्योंकि हम छोटे समय के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, हमें ज़्यादा समय तक इस ETF में पैसे लगा के नहीं रहना। तो हम हावरली चार्ट लगाएंगे इस पर, यानी कि 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। अब ये जो प्रत्येक कैंडल है ये 1 घंटे की है, जितनी भी कैंडल आप देख रहे हैं ये सारी की सारी कैंडल 1-1 घंटे की है। देखिए, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही शानदार सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जाना है इंडिकेटर में। ठीक है सर, किस में जाना है, इंडिकेटर में।
और यहाँ पे आपको सीधा सीधा सर्च करना है एमए, ठीक है। एमए का मतलब मूविंग एवरेज, जैसे कि देख लीजिए ये यहाँ पे आ गया, या किसी के में सिंपल मूविंग एवरेज भी हो सकता है। ईएमए नहीं लगाना है हमें, एमए लगाना है। एक्सपोनेंशियल वाला मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। तो आपने जब वो लगा लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 9 पीरियड का सेट रहता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 9 रहती है। तो आप इसको सेटिंग में जाएंगे, मैंने 21 कर रखी है, आपको भी 21 करनी है, क्योंकि इसका 21 का ना एक लॉजिकल रीजन है। इसको 21 यानी कि हम पिछले 21 टाइम का देखेंगे। अगर आप इसे डे पे कर देंगे तो पिछले 21 दिन का आप जो है इसका मूविंग जो एवरेज है वो देख पाएंगे। ऐसे ही मार्केट जो है 20 से 22 दिन खुलता है पूरे महीने में, तो आप पूरे महीने का ट्रैक कर सकते हैं अगर आप इसको जो है डे चार्ट पे लगाते हैं। लेकिन हमें हावरली चार्ट पे लगाना है, क्योंकि हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है, कुछ समय के लिए हमें रहना है और हमें इसमें से प्रॉफिट लेके निकलना है। तो आपको क्या करना है, आपने एमए लगा लिया 21, ठीक है, सेटिंग में जाके। तो ये एमए की लाइन आ गई आपकी जो रेड कलर वाली है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए वैसे तो आप कैंडल पे भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा है, लेकिन मैं इसे लाइन चार्ट पे कर लेता हूँ। एक बार यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, हम इसे कैंडल से लाइन पे कर लेंगे। तो आप देखेंगे अब ये जो नीली वाली लाइन है, ये तो है हमारा प्राइस, ये तो है ETF का प्राइस, जो नीली वाली लाइन है, ठीक है सर। और ये रेड वाली जो लाइन है ये है हमारा एमए। क्लियर हो गया आपको इतना? अब आपको करना क्या है, आपको हावरली चार्ट लगाना है, और जब भी आप देखें कि ये प्राइस वाली लाइन जो है ये एमए को काट के नीचे आएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। आपको जो एंट्री करनी है वो यहाँ पे करनी है। एंट्री जब करेंगे हम किसी भी ETF में, बाइंग करने का सही समय यही है कि जब ये एमए प्राइस वाली जो लाइन है वो एमए के नीचे हो, यानी कि इसका प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, उस समय हम करेंगे बाय, ठीक है। अब जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, तो देखिए जब भी ये लाइन जब जब नीचे रही है, अगर आपने यहाँ पे बाय करा होता सब कुछ करिए, और देखिए बहुत कम समय के लिए रही है ये, आप देखेंगे बहुत कम टाइम के लिए। तो ये देखिए ये 23 मार्च को यहाँ पे नीचे आई, ठीक है सर, बल्कि तो 23 मार्च को नीचे आ गई, क्योंकि ये हावरली चार्ट है। अब ये 23 मार्च में यहाँ पे, 24 मार्च में भी नीचे रही, 27 में भी नीचे रही, 28 में भी नीचे रही, और 28 के बाद जो इसने चलना शुरू करा है तो ये जो है कितने पे था, 399 रुपये पे, ठीक है। ये बैंक व्यूज का चार्ट है। और यहाँ पे से देखिए फिर जो ये उठा है एक बार, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया। अगर आपने यहाँ पे ही बाय करा होता इस वाले पॉइंट पे भी, तब भी देखिए इसके क्लोजिंग प्राइस 413 रुपये है, और आज की डेट में जो है ये लगभग 425 रुपये खड़ा है। तो एकदम शानदार एंट्री आपको मिली इस सेटअप के थ्रू। तो मेरे कहने का मतलब खाली यही है कि जब भी आपको इसमें बाइंग करनी है, तो कभी भी जो ETF बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है या बढ़े जा रहा है, वहाँ पे एंट्री मत लो, क्योंकि ETF में एंट्री वहीं लेनी है जब वो गिर रहा हो, क्योंकि ये ETF है, एक्शन ट्रेडेड फंड है, और वैसे भी ये इंडेक्स है। तो ये जो है एक शेयर तो है नहीं, कोई भी शेयर बढ़ेगा इसको तो ऊपर ही जाना है। तो हमें सही समय वो पकड़ना है कि जहाँ भी हमारा, जब भी ये स्टेशन पर रुकेगा, एक तरीके का ये स्टेशन ही है, यहाँ पे स्टॉप लेगा ये, तो आपको यहाँ पे इसमें चढ़ना है, और उसके बाद में जो है इसके साथ राइड करते हुए सीधा ऊपर जाना है। जब भी आपका प्रॉफिट निकल जाए 5%, 3%, 10%, 15%, आप प्रॉफिट बुक करिए एक साथ और बाहर आ जाइए। और एक चीज़ और जो मैं सारी वीडियो में बताता हूँ आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी आपको किसी भी ETF में अपना जितना भी फंड है उस सारे का सारा फंड कभी भी एक साथ नहीं लगाना। आप इसके टुकड़े करिए, 10 करिए, 20 करिए, ठीक है, 5 करिए, जैसा आपको सुटेबल लगे आप करिए। और एक बार समराइज कर देता हूँ मैं वीडियो को पूरा। आपको सबसे पहले चार्ट लगाना है, चार्ट को जो है आपको हावरली पे रखना है 1 घंटे के चार्ट पे। मैंने ये लाइन चार्ट लगा दिया है ताकि इससे थोड़ा सा क्लियर व्यू हमें मिल सके। आप चाहे तो कैंडल स्टिक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, मूविंग एवरेज को काट के नीचे की तरफ आएगा, तो आपको उसके नीचे यहाँ पे बाय करना है, ठीक है सर। और जब वो ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट, जहाँ भी आपका टारगेट हिट हो जाए 5%, 10%, 3%, वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और इस ETF से बाहर आ जाना है। तो ज़बरदस्त कमाल का सेटअप है। एक बार मैं थोड़ा सा और पीछे चल के देख लेता हूँ, पीछे ले आके आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए क्या कमाल का काम करता है ये, जब जब ये नीचे आएगा और बिल्कुल शानदार तरीके से बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे आया, आपको लग रहा है ये बहुत टाइम तक नीचे रहा होगा, लेकिन चलिए देखिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये लगभग 9 मार्च को नीचे आया, 9 मार्च के बाद में फिर जो है यहाँ तक ये नीचे रहा है। आप कभी भी किसी भी समय बाय कर सकते थे आप, और 17 मार्च तक नीचे रहा है। उसके बाद में फिर ये देखिए
यहाँ पे अगर मैं लास्ट ले लूँ इसको 17 मार्च को 11:15 पे इसका जो प्राइस था वो था 395 रुपये, ठीक है सर, 17 मार्च को। उसके बाद फिर देखिए ये ऊपर गया और यहाँ पे जो इसका स्कर्ली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो है 401 रुपये। तो आप देखेंगे 395, 401, लगभग 6 पॉइंट का मूव। उसके बाद फिर ये एक बार नीचे गया, इसने 394 रुपये फिर आया इसका प्राइस क्लोजिंग इस कैंडल का, क्योंकि हावरली होगी। तो ये देखिए यहाँ से जब ये ऊपर गया तो 94 के बाद में फिर ये सीधा ऊपर गया यहाँ तक 405 तक। तो ये मैं देख लेता हूँ एक बार डेट, ये देखिए 20 मार्च, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 20 मार्च, और ये यहाँ का प्राइस जो है ये 23 मार्च है, यानी कि 20 और 3 23, यानी कि 3 दिन में आपको इसने जो है 94 से 405 रुपये बना के सीधे सीधे दे दिए। देखिए 394 रुपये 80 पैसे, और यहाँ पे देखेंगे तो 405 रुपये 60 पैसे, मोटा मोटी जो है 9 रुपये मान लो। तो 9 रुपये इसने आपको मात्र 3 दिन में बना के दे दिए। अगर प्रतिशत वाइज में आप इसको निकालेंगे तो 4 दूनी 8, लगभग 2% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको केवल 3 दिन में बना के दिए। और आपने होल्ड करा होता तो ये देखिए फिर तो ऊपर जा ही रहा है। आपने यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कीजिए। जब ये नीचे आया तो फिर देखिए सीधा शानदार तरीके से ऊपर, है नी, सीधा ऊपर। तो ये देखिए बहुत बेहतरीन ये सेटअप है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है ये। आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। आप और भी देख सकते हैं, जब भी नीचे आया आप इसको बाय करते हैं, आप देखिए यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे ये गिरा 17 फरवरी को, ठीक है, और ये कब तक नीचे रहा, 27 फरवरी तक, ठीक है। तो आप अपने फंड के टुकड़े करिए, उसे एक साथ मत लगाइए, धीरे धीरे इसमें शिफ्ट करिए, जब भी ये नीचे आए थोड़ा थोड़ा करते रहिए। तो ये देखिए यहाँ से लेके ये गिरा 17 से गिरा, और ये देखिए 27 तक, यानी कि 10 दिन नीचे रहा, और उसके बाद सीधा बूम ऊपर, इसके ऊपर आ गया। तो आपका फंड जो है रोटेट होता रहेगा, मार्केट में घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप जनरेट करते रहेंगे। तो एक डिसेंट प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं इस सेटअप के थ्रू, और अपनी एंट्री को डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे। वैसे तो मैंने बताया कि रेंडमली आप कहीं पे भी एंट्री अगर ले लेते हैं ETF में, CMP प्राइस पे अगर बाय कर लेते हैं, और आपके फंड के अगर 20 हिस्से हैं, यानी कि 20 हिस्से हैं या 10 हिस्से हैं, तो आप हर कुछ ना कुछ प्रतिशत की गिरावट पर, वो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, पूरे ETFों पर बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, उस पर अलग अलग स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है, पूरे डिटेल वीडियो मैंने ETF के ऊपर बनाए हुए हैं। उनमें मैंने बताया आपको किस ETF में कौन सी कंपनियाँ हैं, किस ETF में कौन से सेक्टर हैं, और किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप ETF को बाय सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक सेटअप था, अगर आपको सेटअप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।